स्ट्रीट फूड। एक बार की बात है, नवीन और सोनम की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दामाद जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे छोटे मोटे शर्त लगाने की आदत है। उससे अगर आपको कोई परेशानी हो तो माफ कर देना। नवीन बहुत कंजूस था, पैसे खर्च करने के लिए रोता रहता था। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन सोनम, अजी सुनो, आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं। जब से शादी हुई है हम रेस्टोरेंट नहीं गए। हर बार तुम कोई बहाना करके टाल देते हो। आज हमें हर हाल में रेस्टोरेंट जाना ही होगा। बस बाप रे, रेस्टोरेंट गए तो बिल बहुत होगा। एक बार आदत पड़ गई तो बार बार जाने को कहेगी। कोई तरकीब सोचकर इसे टालना होगा। बाद में दोनों रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई खाने वाली रेड़ियां नजर आई। नवीन ने एक समोसे वाली रेड़ी के पास गाड़ी को रोककर उसे ही देखने लगा। क्यों जी, उस रेड़ी को क्यों देख रहे हो? भूख लगी है क्या? समोसा खाओगे? रेस्टोरेंट तो जा ही रहे हैं, वहीं खा लेना। ये बात नहीं है सोनम, मुझे बचपन की याद आ गई। हर रोज स्कूल छूटने के बाद समोसे के रेड़ी में कम से कम 20 समोसे खाता था। क्या 20 समोसे? इतने आप कैसे खाते थे? नवीन, 20 क्या, कभी कभी 30 भी खाता हूँ। वैसे ये बात अब रहने दो, तुम तो इतना नहीं खा सकते ना। क्यों नहीं खा सकती? मैं भी खा सकती हूँ। लगी शर्त? मैं शर्त जीत गई तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे, और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, ठीक है? खामखा हार जाओगी, रहने दो, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। मुझे ना उकसाओ, ये शर्त होकर ही रहेगी। भैया 20 समोसे देना। 20 समोसे पैक कर दूं? पैक नहीं, यही खाना है, दो जल्दी। और वो समोसे खाने लगी। बड़ी मुश्किल से सारे समोसे खा गई। दुकानदार को पैसे देते हुए, शुक्र है समोसे के 40 रुपए और शर्त हारने के 100 रुपए, कुल मिलाकर 140 में निपट गया। बाद में सोनम से, सोनम चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, देर हो रही है। अब क्या रेस्टोरेंट, पेट भरा हुआ है, अब 2 दिन मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, चलो घर चलते हैं। अगले दिन नवीन किसी से फोन पर बात कर रहा था। सोनम छिप कर सुन रही थी। पत्नियों को उल्लू बनाना आसान है, परसों मैंने इसी तरह अपनी पत्नी को समोसे खिलाया था, इस तरह रेस्टोरेंट का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसने सोचा मैंने सचमुच शर्त लगाया, बेचारी, कहकर बात कर रहा था। अच्छा बच्चू, ये बात है, ठहरो मैं बताती हूँ। अगले दिन, सुनो जी, हम परसों रेस्टोरेंट नहीं जा पाए ना, आज हमें जाना ही होगा। फिर दोनों रेस्टोरेंट के लिए चल पड़े। सोनम रास्ते में पानी पूरी की रेड़ी के पास रुककर उसी को देख रही थी। क्या हुआ, वहाँ क्या देख रही हो, तुम खाओगी, उसने पूछा खुश होकर। सवेरे फेसबुक पर एक मैसेज देखा था, इंडियन ग्रेट फूडी नाम की एक संस्था है, कहते हैं कि कोई भी 100 पानी पूरी खाते हुए वीडियो शूट करके भेजे तो उन्हें 1,00,000 रुपए इनाम देंगे, सिंगापुर का फ्लाइट का भी किराया देंगे। मैं 20 से ज्यादा नहीं खा सकती, इसीलिए दुख हो रहा है। लाख रुपए सुनकर नवीन ललचा गया। क्या 1,00,000 रुपए, सिंगापुर के टिकट भी? 100 पानी पूरी मैं खाऊंगा, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम वीडियो निकालना। भैया तुम 100 पानी पूरी गिनकर देते रहना। यूं वो पानी पूरी डाल रहा था और ये खा रहा था। सोनम मोबाइल में वीडियो निकालने लगी। बड़ी मुश्किल से नवीन ने 100 पानी पूरी खाया। बाप रे, लगता है पेट फट जाएगा, इस वीडियो को जल्दी से उन्हें भेज देना, वरना कोई और उसको भेजेगा और लाख रुपए ले जाएगा। अरे सॉरी, मैं वीडियो निकाल तो रही थी पर रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गई। आई एम रियली सॉरी जी। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें। क्या दोबारा कोशिश करूं? दिमाग ठीक है? दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है। अपने कंजूसी से मुझे उल्लू बनाने की कोशिश करते हो? फेसबुक, लाख रुपए, सिंगापुर टिकट, कहते ही ललचा गए। क्यों, आप समझते हो कि मेरा दिमाग नहीं है? अब से आप पर निर्भर ना रह के मैं भी कोई काम करूंगी। पैसे अगर कम से कम जरूरतों और खुशियों के काम ना है तो उन पैसों का क्या फायदा? फिजूल खर्ची गलत है पर कंजूसी भी तो गलत है। मुझे माफ करना सोनम, अब से ऐसे हरकतें नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अच्छा तो चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, मैं खाती हूँ और तुम देखते रहना। कहते हुए हंसने लगी। हंसते हुए, ठीक है चलो चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट गए। पिज्जा।
एक बार शंभु नाम का एक व्यक्ति शहर आया। वो यूं ही टहल रहा था कि उसे एक पिज्जा की दुकान दिखाई दी। वहां लोग पिज्जा खा रहे थे। क्योंकि वो पिज्जा पहली बार देख रहा था तो वो हैरान होकर देखने लगा। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति को रोककर, भाई साहब वो किस चीज की दुकान है, वहां क्या बेच रहे हैं? उस व्यक्ति ने शंभू को ऊपर से नीचे तक देखा और पिज्जा शॉप, वहां पिज्जा बेचते हैं। पिसा, ये क्या नाम है, अच्छा है, उसका स्वाद कैसा है, डोसा की तरह या इडली की तरह? तुम कहां से आए हो भाई, पिस्सा नहीं पिज्जा, उसका स्वाद उसके जैसा ही होता है, अब मुझे छोड़ दो, कहकर वहां से चला गया। शंभू दुकान के अंदर जाने लगा तो सिक्योरिटी ने उसे रोका। शंभू, भाई क्यों रोक रहे हो, क्या हुआ? तुम जैसे को अंदर नहीं जाने दूंगा, तुमने अपने कपड़े देखे हैं, जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जाता हूँ, वैसे एक पिज्जा कितने का होगा? उसमें कई किस्म है, 150 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का है। ये सब एक व्यक्ति अपने मोबाइल पर वीडियो निकालने लगा। 150 रुपए तो मेरे पास हैं, मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। 150 नहीं, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए भी हो तो अंदर नहीं जाने दूंगा, जाओ यहाँ से, कहकर जोर से धक्का दिया। शंभू नीचे गिर गया। बाद में वो उठकर खड़ा हुआ और, ये क्या अन्याय है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे हैं, फिर भी धक्का दे रहे हैं, आपको पैसे से मतलब है या मेरे पहनावे से मतलब है, छी क्या दुकान है, कहते हुए वहाँ से चला गया। घर जाकर, वो पिज्जा डोसा की तरह दिखता है, मैं खुद बनाकर खाऊंगा, यूं सोचकर डोसा बनाया और उस पर कई किस्म के सब्जी काट कर डाला। बाद में उसे खाकर, ना ना बेकार है, वो डोसे से नहीं बनता है, लगता है रोटी से बनाते हैं। बाद में तवा में रोटी डालकर उस पर कई सब्जी काट कर डाले। बाद में उसे खाकर, ये भी बेकार है, लगता है मेरे पिज्जा खाने की इच्छा इस जन्म में पूरी नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने इस सब को रिकॉर्ड किया था उसने टीवी चैनल्स को इसे भेजा। बाद में टीवी एंकर, क्या पैसे वाले ही पिज्जा खा सकते हैं? क्यों गरीब नहीं खा सकते? कल शहर में हुई इस अन्याय को आप स्वयं देखिए, एक सिक्योरिटी वाला एक आम आदमी पर किए गए अत्याचार को आप खुद ही देखिए। इस तरह ये सारे चैनलों में आने लगा। ये देख लोग बातें करने लगे, ये क्या अन्याय है, इतनी क्रूरता। अगले दिन एक बड़ी गाड़ी शंभू के घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और अंदर आया। श्रीमान शंभू जी, जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, मुझे क्षमा करें, मैं उस पिज्जा की दुकान का मालिक हूँ, उस सिक्योरिटी को मैंने काम से बर्खास्त कर दिया है। परसों जो हुआ वो टीवी में प्रसार हुआ और मंत्री जी को पता चल गया, उन्होंने ये हुक्म जारी किया है कि यदि आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो दुकान बंद कर देंगे, ये लीजिए आपका मुआवजा। इतना ही नहीं, ये सारे पिज्जा आपके लिए ही है, कृपा करके इस बात को आगे ना बढ़ाएं। कहते हुए पिज्जा का बॉक्स उसके सामने रख दिया। बाद में शंभू पिज्जा खाकर खुश हुआ। ट्रैक्टर। कई साल पहले कैलाशपुर नाम के गांव में भूषण नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 10 एकड़ जमीन और कुछ बैल थी। हर सुबह वह अपनी बैल को ले जाकर खेती करता था। भूषण का एक बेटा रवि शहर में पढ़ाई करता था। रवि बहुत बुद्धिमान था, कॉलेज में नंबर 1 स्टूडेंट था, पढ़ाई और खेल को दोनों में प्रथम आता था। एक बार कैलाशपुर गांव में ठीक से बारिश न होने के कारण भूषण को खेती में बहुत नुकसान हो गया। भूषण खेती के लिए जो उधार लिया था वो चुकाने उसके पास पैसे ना होने के कारण उसे अपना आधा जमीन बेचना पड़ा। उस शाम भूषण ने अपनी पत्नी से कहा, बारिश इस बार ठीक से ना होने के कारण फसल ठीक से नहीं होगा, बहुत नुकसान हुआ है सुकना। आप परेशान ना हो जी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा। उधार देने वाला ने दबाव डाला तो पैसे चुकने की वजह से आधा जमीन बेचना पड़ा, इसके बावजूद भी कुछ और उधार चुकाना बाकी है। इतने में पोस्टमैन पोस्ट करके चिल्लाया। भूषण वो चिट्ठी को लेकर पढ़ने लगा।
कहाँ से जी? हमारे बेटे चिट्ठी लिखा है कि उसकी कॉलेज फीस भरनी है। अभी कॉलेज, ये फी, ये सब जरूरी है क्या? अब पढ़ाई जितनी की है उतनी काफी है। वापस आकर आपकी मदद करने के लिए कहें। गलत है सुगना, उसे इतनी मेहनत से इसलिए पढ़ाया ताकि वो हमारे तरह नहीं बनकर जिंदगी में अच्छी तरक्की करे। अभी उधारी के साथ उसकी फीस कैसे भरोगे? फिर से जमीन बेचोगे क्या? भूषण मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। भूषण ने अपना एक और एकड़ जमीन बेचकर रवि की कॉलेज फी भरी। रवि अपने गांव आया। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि उधारी देने वाले लोग और भूषण में कुछ गंभीर बातचीत चल रही थी। श्रीमान, थोड़े दिनों का समय दीजिए, उधारी पूरा चुका दूंगा। इस साल खेती में नुकसान हुआ, वरना इतनी बड़ी परेशान नहीं होती। ठीक है भूषण, तुम्हें एक और साल का वक्त देते हैं पूरी उधारी चुकाने के लिए। रवि अपने पिताजी की समस्या देखकर सहम गया। उसकी माँ ने जो हुआ वो सब बताया। अगले दिन रवि अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने इस परिस्थिति के बारे में सोचा। जो मुश्किलें आपने अब तक उठाई वो बहुत है। आपने पढ़ाई और बुद्धि को इस्तेमाल करके मैं इस घर की परेशानी को दूर करूंगा। रवि, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छी नौकरी मिले है ना, उस पर ध्यान दो। मैं वहाँ एसी में बैठूं और आप यहाँ इस परेशानी में रहे, ऐसे में कोई पर भी सुकून में नहीं रह सकता हूँ। एक साल में अगर हमने पूरी उधारी चुकानी है तो हमने बेल से नहीं ट्रैक्टर से खेती करना होगी। ट्रैक्टर? इस पूरे गांव में अब तक किसी ने ट्रैक्टर नहीं खरीदा है। उतने पैसे हमारे पास भी कहाँ है? नहीं है ना हमारे पास उतने पैसे। पिताजी मैं पढ़ाई के है, बैंक हमारे खेती की जमीन के लिए लोन दे सकती है, उस पैसों से ट्रैक्टर लेंगे। ट्रैक्टर है तो थोड़ी ही समय के अंदर खेत में लाभ मिल जाएगा। पिताजी रवि के सोच से प्रभावित होकर ठीक है कहा। अगले ही दिन जैसे रवि ने कहा, बैंक ने लोन मंजूर कर दिया। वो पैसों से रवि ने ट्रैक्टर खरीदा। रवि ट्रैक्टर की मदद से पूरा खेती करने लगा। थोड़े ही समय में उसने बीज भी बो दिया। आसपास के किसानों में से एक किसान ने कहा, अरे इसने एक ही दिन में पूरा खेत में हाल चला लिया। आज बीज भी बो दिया, कल पानी डालेगा, इसी हिसाब से वो 3 ही महीनों में पूरा फसल होगा। हाँ, हम 8 से 10 महीनों में जितना फसल उगाएंगे वो इतने ही समय में 2 बार उगा लेगा। हाँ, ये रवि 3 महीनों में ही पूरा फसल उगा लेगा लग रहा है, जिससे हमने उगाने के लिए 8 से 10 महीने लग जाएंगे। हम भी ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, ऐसे सबने सोचा। रवि कई वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने लगा। इस तरह फसल भी उग गया। फसल को बेचकर उसने अपने घर की परेशानी को दूर किया। उस गांव के दूसरे किसान ने भी रवि की मदद से ट्रैक्टर खरीद लिया। ऐसे वो सब खेती करने लगे। एक साल में रवि ने अपने घर की पूरी उधारी को चुका दिया। टमाटर बेचने वाले की सफलता। सिंगापुर नाम के गांव में कावेरी नाम की एक बेवा रहती थी। उसके पास एक छोटा खेत था, उसमें टमाटर उगाकर गांव में घर घर जाकर बेचती थी। कावेरी की मदद उसका छोटा भाई अरविंद करता था। एक बार कावेरी, टमाटर ले लो टमाटर, कहते हुए गली गली जाकर टमाटर बेचने लगी तो एक गृहिणी, अरे ओ टमाटर वाली इधर आना। बोलो बहन, टमाटर चाहिए? बिल्कुल ताजा टमाटर है। क्या भाव दे रहे हो? किलो कितने का है? सिर्फ 20 रुपए की किलो है। ठीक है, 1 किलो देना। गृहिणी 1 किलो टमाटर लेकर, हर रोज टमाटर बेचते हुए तुम्हें क्या लाभ होता होगा? देखो धूप में टमाटर कैसे सूख रहे हैं। मेरे पास एक तरकीब है, तुम टमाटर के अचार बना सकते हो ना। कावेरी को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने ठीक है कहा और वहाँ से चली गई।
तब कावेरी ने अपने भाई की मदद से टमाटर का अचार डालकर उसे बोतलों में रखा। उन बोतलों को टमाटर के साथ रेडी में रखकर गली गली घूमकर बेचने लगी। टमाटर का अचार ले लो, टमाटर का अचार, बढ़िया अचार, कहकर बेचने लगी। कम समय में ही कावेरी का अचार लोगों को बहुत पसंद आया तो कारोबार अच्छा चलने लगा। कावेरी का छोटा भाई, दीदी अब खूब पैसे कमा रही है, मैं भी दीदी वाला कारोबार ही करता हूँ, मुझे भी पैसे कमाने हैं, कहकर टमाटर के अचार बनाने लगा। कावेरी अपने भाई की इस हरकत को देखकर बहुत दुखी हुई। अरविंद के बनाए टमाटर के अचार कोई ज्यादा नहीं खरीदता था, इसके कारण अचार खराब होने लगे। कारोबार में नुकसान होने के कारण अरविंद दुखी हुआ तो उसे देखकर कावेरी, कुछ भी हो अरविंद मेरा छोटा भाई है, उसे सही रास्ते पे लाना होगा। यूँ सोचकर कावेरी अरविंद के पास गई। अरविंद दुखी ना हो, मैं जैसे कहूँगी वैसे करो, तुम फिर से कारोबार में उठोगे। दीदी तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें धोखा देकर कारोबार किया, फिर भी तुम मेरे हितैषी बनकर मेरी मदद कर रही हो, अब से तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। तब कावेरी ने अरविंद को अचार बनाने की विधि और बेचने का तरीका सिखाया। अरविंद दीदी के कहे अनुसार ही हर काम करने लगा तो कारोबार में लाभ होने लगा। व्यापार में कमाए रुपए में आधा दीदी को देने लगा। इस तरह एक दीदी ने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाया।